हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में, और विदाउट फॉर्मूला के आप उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 2500 रुपये का 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों, बस आपको इसमें एक बात याद रखनी है, आपको दर और समय का इंटू करना है, क्योंकि आपसे पूछा गया है 4 वर्ष, तो 5% की दर से 1 साल में जो निकलेगा उसका 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 वर्ष का निकल आएगा। वही सिर्फ हमने यहाँ पर किया है, दर इंटू समय, इसी से आप 5% निकाल लेंगे 2500 रुपये का, और आगे जो क्वेश्चन आएंगे आप इसी से कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो मूलधन होता है हमेशा आप उसे कितना मानते हैं, 100% मानते हैं, तो आप यहाँ पर 100% लिखेंगे। कोई फॉर्मूला नहीं है दोस्तों, मूलधन को सिर्फ 100% मानना है, मान लिया। इक्वल टू मूलधन दिया कितना है, 2500 रुपये, तो 2500 रुपये यहाँ पर आप लिख लेंगे। 2500 रुपये दिया है, 2500 रुपये लिख लिया, कितना मानते हैं 100%, तो 100% लिख लिया। आप क्या करना है, आपको दर इंटू समय करना है, तो 5 का मर्क करेंगे 4 में, तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20% लिख लिया दोस्तों, क्योंकि 20% हो जाएगा 4 साल में जाके। इक्वल टू निकालना क्या है हमें, ब्याज, तो यहाँ पर आप निकालने हैं एक्स लिख लीजिए। अब लिख लिया, अब आपको सिंपल इसे सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 20 से 100 को काट दीजिए, कितनी बारी कट जाएगा, 5 बारी कट जाएगा, और आप इस 5 से इस 25 को काट देंगे तो 5 बारी कट जाएगा, और 00, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। एक्स बराबर कितना आएगा, 500, मतलब कितना ब्याज होगा, 5% की दर से 2500 रुपये का 4 साल में कितना ब्याज होगा, तो 500 रुपये आपका ब्याज होगा, यही दोस्तों आपका आंसर है। तो विदाउट फॉर्मूला के आप इस ट्रिक से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 5000 रुपये का 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज 1000 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है समय, कितने समय में 1000 रुपये ब्याज हो जाएगा 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो आपको सिर्फ दर इंटू समय याद रखना है। तो दोस्तों, जो भी मूलधन होता है हम उसे कितना मानते हैं, 100%, तो आप यहाँ पर 100% लिखेंगे। मूलधन कितना है, 5000 रुपये, तो आप यहाँ पर 5000 रुपये लिख लेंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना होता है, 10 का मल्टीप्लाई मतलब दर का मल्टीप्लाई समय से करेंगे, तो समय यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो आप क्या कर लेंगे, 10 इंटू एक्स मान लेंगे, समय नहीं दिया गया है तो उसे एक्स मान लेंगे, लिख लिया। उसके बाद क्या करना होगा, ब्याज आपका दिया गया है 1000 रुपये, तो आप 1000 रुपये यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसे करना बहुत ही सिंपल है, देखिए 3 जीरो से आप 3 जीरो काट देंगे, यहाँ पर कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, ये भी कट गया। अब 5 से इस 10 को काटेंगे तो 2 बारी कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 2 वर्ष, तो x का मान कितना हो गया, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5000 रुपये का 1000 ब्याज हो जाएगा। दोस्तों आपका आंसर होगा 2, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजय ने 2000 रुपये का कर्ज दिया तथा 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपये का ब्याज मिला, तो दर क्या है। तो इसमें दर पूछी गई है दोस्तों, कितने प्रतिशत की दर से 300 रुपये उसे ब्याज मिला है, तो ये आपको याद रखना है, दर इनटू समय, और निकल आएगा। मूलधन कितना दिया गया है, 2000 रुपये, तो मूलधन को हम कितना मानते हैं दोस्तों, हमेशा 100% मानते हैं, तो 100% लिख लिया। मूलधन है आपका 2000 रुपये, तो 2000 रुपये लिख लिया। अब आपसे पूछा गया 3 वर्ष में, लेकिन आपको दर नहीं दिया गया, तो दर का और समय का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो समय कितना दिया गया हमारा 3, तो 3 इंटू कितना कर देंगे, नहीं मालूम है दर, तो एक्स प्रतिशत मान लेंगे, और ब्याज दिया गया है आपका 300 रुपये, तो आप 300 रुपये लिख लीजिए। अब देखिए 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा, कट गया, 3 से 3 कट जाएगा, और 20 से जब 100 को काटेंगे तो 5 बारी कट जाएगा, तो एक्स कितने प्रतिशत है, 5% है, यही दोस्तों आपका आंसर आ गया, x इक्वल टू 5%। तो 5% की दर से 300 रुपये ब्याज हो जाएगा 3 वर्ष में, ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों विदाउट फॉर्मूला के आपको क्या करना है, जो मूलधन दिया है उसे 100% मानना है, जो मूलधन है उसे लिख लीजिए। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें मूलधन दिया गया हो तो उसे कैसे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस धन पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 600 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है मूलधन, अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सभी में मूलधन दिया गया था, लेकिन इसमें मूलधन ही पूछ लिया है, तो हमें मूलधन निकालना है, और आपको दर इनटू समय याद रखना है। तो हम किसी भी धन को कितना मानते हैं दोस्तों, 100% मानते हैं, ये हम बताते हुए आ रहे हैं, और धन हमको नहीं मालूम है तो उसकी जगह कितना लिख लेंगे, 100 रुपये, धन नहीं पता है तो उसकी जगह हमने 100 रुपये लिख लिया। अब क्या करना है, दर इनटू समय, तो दर कितनी है, 15, और 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30, तो ये हो गया 30 इक्वल टू
कितना ब्याज दिया गया है 600, तो आप यहाँ पर 600 लिख लीजिए। अब दोस्तों इसे करना आसान है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से 60 को काटेंगे तो 20 बारी चला जाएगा, और 20 से मल्टीप्लाई करना होगा हमको 100 में। दोस्तों आपको ये याद रखना है, मूलधन वाले केस में जब मूलधन पूछा गया होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 में तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 2 एक कम 2, अब मल्टीप्लाई में 0 ऐड हो जाता है तो 2000 रुपये आपका आंसर है। यही दोस्तों आपका मूलधन है, मूलधन कितना होगा 2000 रुपये, यही दोस्तों आपको आंसर है। तो आपको क्या करना है, जिसमें मूलधन पूछा हो उसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, श्याम ने 3000 रुपये 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिए तो 5 साल के बाद कितनी रकम वापस करेगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट है, इसे समझ लीजिए। आपसे पूछा गया है 3000 रुपये, तो मूलधन को हम कितना मानते हैं 100%, 100% लिख लेंगे, और यहाँ पर हम मूलधन दिया गया है तो मूलधन लिख लेंगे 3000 रुपये। अब देखिए दोस्तों पूछा गया है 5 साल के बाद कितनी रकम वापस करेगा, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो कितना होगा 4 पंजे 20। लेकिन पूछा गया है कितनी रकम वापस करेगा, तो जो रकम वापस करेगा दोस्तों उसमें मूलधन भी होगा और जो ब्याज है वो प्लस करके हमें वापस करेगा, तो कितना वापस करेगा 4 पंजे 20, और मूलधन को मानते हैं 100%, तो हो जाएगा 120% हमें वापस करेगा, तो 120% लिख लेंगे। इक्वल टू कितना ब्याज है उस पर वो हमें निकालना है, क्योंकि मूलधन हमें पता है 3000 रुपये है, उस पर कितना ब्याज लग के हमें वो वापस करेगा, तो ब्याज निकालना है, तो इसे निकाल लेंगे दोस्तों। बहुत ही आसान है, यहाँ पर देखिए 2 जीरो से आप यहाँ पर 2 जीरो काट दीजिए, अब 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप 120 से, तो 30 × 120 कर दीजिए आप, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1236, मतलब 3600 रुपये, यही आपका आंसर हो गया। तो 5 साल के बाद वो कितनी रकम वापस करेगा 3600 रुपये, जिसमें 3000 रुपये आपका मूलधन होगा और 600 रुपये आपकी ब्याज होगी, तो ब्याज कितनी निकल के आई 600 रुपये। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।